अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग नॉलेज और मैं हूं शुजा अली। आज का मेरा टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन है। हम किस तरह से कोई एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ हो तो हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय द रूल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास है क्वेश्चन। हमारे पास गिवन जो जो चीज़ दी हुई है वो कौन कौन सी है? गिवन है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद जो है हमारे पास, मैं इसको लिख सकता हूँ, इफ़ ए बिलोंग्स टू अब देन में क्या लिखूँगा यहाँ पे, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए यूजिंग। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, लिमिट रह गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, मतलब इट मीन ज़ीरो है। सो लिमिट ऐसी चलती रहेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस का टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अगर आप नोट करो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल के अंदर ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट ए और टेंजेंट टेंजेंट एक्स माइनस का टेंजेंट ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अगर आप नोट करो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते, यहाँ पे भी लग सकता है टेंजेंट एक्स। टेंजेंट मतलब होता है साइन और साइन डिवाइड बाय कॉस, साइन और कॉस के इक्वल होता है। सो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट ए। मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, टेंजेंट थीटा जैसे हम बोलते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है, सही है। तो मैं इधर फंक्शन इसे एंगल थोड़ा चेंज है, एक्स से इधर एंगल, सो मैं सिंपल यहाँ फिर भी लिखूँगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन, सॉरी साइन ए कॉस ए, एंगल डिफरेंट, सही है, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। लिमिट वही चलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अच्छा जी, टेंजेंट एक्स और प्लस का टेंजेंट ए एज इट इज़, ऐसी एज इट इज़ चलेगा। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, सही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस ए माइनस का साइन साइन ए और कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई और नीचे बच जाएगा क्या चीज़, कॉस एक्स और कॉस एज इट इज़। अगर आप यहाँ पे नोट करो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला क्या है? अगर आपने पढ़ा हो ये फार्मूला कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस का कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये फार्मूला है। अब मैं ये वाला फार्मूला एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये चीज़ बन रही है, क्या मैं इसको साइन अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ यही काम किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ पे टेंजेंट एक्स प्लस का टेंजेंट ए तो मैंने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर मैंने लगा दिया फार्मूला साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा मतलब एक्स, अल्फा ये रहा, और बीटा क्या है हमारे पास, और बीटा है हमारे पास ए, तो माइनस का ए लिख देता हूँ और डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अब देखें ये एक्स माइनस ए है, क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ? यहाँ पे बिल्कुल लेके जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे ज़रा लाइन ड्रॉ कर लूँ। अच्छा जी, इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू
a tangent x और प्लस का टेंजेंट a और साइन x माइनस a डिवाइड बाय कॉस x कॉस a, ब्रैकेट बना दिया इसको मैंने और यहाँ पे लिख दिया x माइनस a, सही है। अब अगर आप नोट करो मैं साइन को लिमिट को अलग लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, लिमिट x अप्रोचेस टू a टेंजेंट x प्लस टेंजेंट a डिवाइड बाय कॉस x प्लस कॉस a, लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x a x माइनस a डिवाइड बाय x माइनस a। बता चुका हूँ पहले भी ये वन के इक्वल होता है, मैं एज इट यहाँ वन लिख देता हूँ, लिमिट अप्लाई कर दूँगा मैं इसमें क्या चीज़ लिमिट, जैसे ही मैं लिमिट को अप्लाई करूँगा लिमिट अप्लाई करने पे क्या होता है कि x की जगह पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, तो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाय कॉस x दिया हुआ है, यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा, कॉस x दिया हुआ है कॉस x और कॉस कॉस a और कॉस a हो जाएगा यहाँ पे, सही। और जब मैं इनको ऐड करूँगा तो वहाँ पे ये फंक्शन जैसे मैं इसको ऐड करूँगा वैल्यू क्या आ जाएगी टू सॉरी टेंजेंट टू ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये चीज़ बन जाएगी एज इट इज़ ये बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सो अब मैं अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं टेंजेंट टू ए मल्टीप्लाई वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, याद रखिएगा वन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है वन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, कुछ इस तरह की कंडीशन है यहाँ पे सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा के, सही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा, सही है। तो मैं इसकी जगह ले सकता हूँ टेंजेंट टू ए और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर स्क्वायर ए, ये कंडीशन बन गई। ये कौन सा चल रहा था फंक्शन कौन सा चल रहा था ए का चल रहा था। अब क्या कर दूंगा इन जनरल वी हैव क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, अबे इस तरह से इन जनरल वी हैव फंक्शन दिया हुआ एक्स इज़ इक्वल टू टेंजेंट टू एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आ गया।